भूल भुलैया 3 तृप्ति डिमरी ने कियारा आडवाणी की जगह ली। कार्तिक आर्यन ने फिल्म में नई अभिनेत्री को छेड़ा। मंजुलिका के रूप में विद्या बालन की वापसी के बाद कार्तिक आर्यन ने एक पहली तस्वीर साझा की, जिसमें एक ऐसी अभिनेत्री का संकेत दिया गया जो कलाकारों में शामिल होने के लिए पूरी तरह तैयार है। भूल भुलैया के निर्माता हॉरर कॉमेडी फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त के लिए एक रोमांचक कलाकार को एक साथ रख रहे हैं। मंजुलिका के रूप में विद्या बालन की वापसी के बाद एक नया टीजर जारी किया गया है। कार्तिक आर्यन ने एक पहेली टुकड़े वाली तस्वीर साझा की, जिसमें एक अभिनेत्री की ओर इशारा किया गया जो कलाकारों में शामिल होने के लिए पूरी तरह तैयार है और प्रशंसकों से अनुमान लगाने के लिए कहा। प्रशंसकों ने तुरंत अनुमान लगाया कि यह तृप्ति डिमरी थी, जिन्होंने विशेष रूप से संदीप रेड्डी वांगा की एनिमल में रणबीर कपूर के साथ अभिनय करने के बाद लोकप्रियता हासिल की। और वास्तव में यह सच है। उन्होंने लिखा, सुलझाओ इस भूल भुलैया को। दिलचस्प बात यह है कि यह कियारा आडवाणी थी, जिन्हें दूसरी किस्त में कार्तिक आर्यन के साथ कास्ट किया गया था। यहां पोस्ट देखें। पिछले हफ्ते कार्तिक ने भूल भुलैया 2 में उनके द्वारा किए गए अमित जे तोमर नृत्य के दृश्यों के साथ साथ भूल भुलैया से ओजी विद्या बालन के प्रदर्शन का एक संग्रह साझा किया था। क्लिप में इस्तेमाल किया गया गाना भी अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल द्वारा गाए गए गाने का युगल गीत है। वीडियो को अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर पोस्ट करते हुए कार्तिक आर्यन ने लिखा, और ऐसा हो रहा है, ओ मंजुलिका भूल भुलैया की दुनिया में वापस आ रही है। विद्या बालन का स्वागत करने के लिए बेहद रोमांचित हूँ। अन्य 2 फिल्मों की तरह जो बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट रही, भूल भुलैया 3 भी एक बेहतरीन मनोरंजक फिल्म होने का वादा करती है, जो इस रहस्यमय दुनिया में गहराई से उतरती है और हंसी और रहस्य को एक साथ जोड़ती है। तीसरी किस्त के बारे में अपना उत्साह व्यक्त करते हुए भूषण कुमार ने पहले कहा था, भूल भुलैया फ्रेंचाइजी हमारे दिलों में एक विशेष स्थान रखती है और मैं आनिस जैसे रचनात्मक दिमाग और अविश्वसनीय प्रतिभा के साथ इसे आगे ले जाकर बहुत खुश हूँ। कार्तिक की तरह तब्बू के शानदार प्रदर्शन के साथ कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी द्वारा निर्देशित भूल भुलैया 2 हिट रही। ये 2022 में रिलीज हुई और भारत में 180 करोड़ से अधिक की कमाई की। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब